हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलंतु आज आम नवम श्रेणी अवकाशकालीन गृहकार्य करिबा ओडिया विषयटी करिबा विभाग एक विकल्प चयन प्रश्न क्वेश्चन नंबर वन ने कौन देछि समुद्र रे पवित्र जलधारा उत्कल जननी को ड्रेस को धोई थाए। ऑप्शन क रे देछि शरीर, ऑप्शन ख रे देछि पाद, ऑप्शन ग रे देछि मथा, ऑप्शन घ रे देछि हस्त। यार सठिक आंसर कौन हबो ना ऑप्शन क शरीर। तापर क्वेश्चन नंबर टू कांत कवि कहार पदवंदना करपरि क रे दे उत्कल माता ख रे दे भारत माता ग रे दे निज माता घ रे दे जगत जननी। यार सठिक आंसर कौन हम ना ऑप्शन क उत्कल माता। देन क्वेश्चन नंबर थ्री जीवन दिने केउठरे शेष हेब क रे दे घरे ख रे दे श्मशान घरे दी एंतुड़ीशा घरे दी डाक्तरखाना। यार सठिक आंसर कौन हम ना ऑप्शन ख हम श्मशान। क्वेश्चन नंबर फोर जलर जातीय गुण कौन क रे दे ऊर्धवगति ख रे दे पार्श्वगति ग रे दे निम्न गति घ रे दे वक्र गति। यार सठिक आंसर कौन हम ऑप्शन ग निम्न गति। तापर दीजिए पाँच नंबर पार्थिव शब्दर विपरीत बोधक शब्दटी कौन हेबो क रे दे स्वर्गीय ख रे दे अपार्थिव ग रे दे विपार्थिव घ रे दे निपार्थिव। यार सठिक आंसर कौन हम ऑप्शन ख अपार्थिव। देन विभाग टू क्षुद्र उत्तरमूलक प्रश्न ये क्वेश्चन नंबर वन ने कौन दे चारु हास्यमयी चारु भाषमयी क्या कहुची आंसर कौन हम उत्कल जननी को कौन चारु हास्यमयी चारु भाषमयी उत्कल जननी को कहुची। तापर कौन दीजिए उत्कल क्षेत्र केउथिरे सुशोभित यार सठिक आंसर कौन हम सुंदर धान तेने कौन उत्कल क्षेत्र सुंदर धान सुशोभित। तब क्वेश्चन नंबर थ्री उत्कल चक्षु केउ आलोक उज्जवल ठीक आंसर कौन हम ज्ञान विज्ञान चक्षुरे। तापर दीजिए क्वेश्चन फोर कौन जापान जातिर उन्नतिर मूलमंत्र कौन जापान जातिर उन्नतिर मूलमंत्र हो मो प्राण जाऊ लक्ष्य जापानी प्राण जाऊ किंतु जापानी जातिर मान वृद्धि हेउ। तापर कौन दीजिए क्वेश्चन नंबर फाइव सूर्य निर्विकार भाव में कौन करें समस्त जानचे सूर्य निर्विकार भाव में समस्त किरण वितरण करुँच। क्वेश्चन नंबर सिक्स केते बेले जाति जाति मध्य सद्भाव सृष्टि होता है यार सठिक आंसर कौन जातीय जीवन प्रतिष्ठित हेले जातीय जीवन प्रतिष्ठित हेले जाति जाति मध्य सद्भाव सृष्टि होता है। तापर दीर्घ उत्तर मूलक क्वेश्चन नंबर सेवेन कौन दीजिए ग्रीष्म ऋतु ग्रीष्म ऋतु कौ कौ विषय लिखे ना उपक्रम लिखे प्राकृतिक परिवेश लिखे जनजीवन पर्वपर्वाणी उपसंहार इत्यादि लिखे चलतु आम एवं ग्रीष्म ऋतु रचनाटी लिखा ग्रीष्म ऋतु उपक्रम कौन लिख ऋतुचक्र आवर्तन में प्रचंड झांजी पवन दे धरामंडन कै ग्रीष्म ऋतु आम भारत वर्षरे विशेषतः आम ओडिशारे बैशाख एवं ज्येष्ठ दुई मास को ग्रीष्म ऋतु कहती किंतु चैत्ररु ज्येष्ठ मास शेष जाए ग्रीष्म ऋतुर प्रभाव अनुभव हुए। तो वर्णना कौन कर ग्रीष्म ऋतुर रौद्रर प्रचंडता उत्तर पल्ली और सहर को बहु परिमाण में व्याहत करें एहि ऋतु रे नदी पुष्करिणी कूप गड़िया जलशून्य हो जाए प्रचंड ग्रीष्मताप सही नपारी वृक्षलता मानकर सबुज शीतल पत्र संभार सुखी जाए और पड़ियारु घास मरी जाए एवं कृषि क्षेत्र शीर्ण हो जाए तीव्र ज्वलन और जलर अभाव पल्ली जीवन को हंतसंत कराए एसबू सत्वे छण छपर घर झंकाळिया वृक्ष लेंबू सरबत काकुड़ी और टंक तराणी आदर बढ़ी जाए ग्रीष्म ऋतु रे आंब तोटा और गच्छ डाळर बणी चढ़ई और गुंडुची टें टेंया राब भासी आसे ग्रीष्म ऋतुर फूल और फल ग्रीष्म ऋतु रे संध्या सम्मिलन रे मल्ली फुलर महक विशेष आनंद दिए आंब पणस सपुरी डाळिंब बेल ताल खजूरी तरबूज लिचु और सपेता आदि फलर संभार हरस मुखर कराए। तापरे पर्व और पर्वाणी ग्रीष्म ऋतु रे शीतल षष्ठी सावित्री अमावास्या अक्षय तृतीया चंदन यात्रा इत्यादि पर्व पालन करा जाए। तापरे उपसंहार बा शेष कथा ग्रीष्म ऋतु कष्टदायक हेले मध्य एहा अशेष हितकारक एही ऋतु जीवजगतर मित्र वर्षा ऋतु को जन्म दे थाए कवि मधुसूदन से वर्णना करिसेंती निदाग समय हेले हे दारुण अटे जगतर मित्र
जनमाय मेघ साधे प्राणी हित विधि विधान विचित्र। तबे भाबुजी भिडियोटी बहुत भल लगे, जदि भिडियोटी भल लगे लाइक शेयर करने को भूलिबे नाही, और जदि आपण आम चैनल को सब्सक्राइब करना तबे निश्चित भाव में आम चैनल को सब्सक्राइब करदे। थैंक यू।